दोस्तों गूगल ने लॉन्च कर दिया है एंड्रॉइड का 8.0 वर्जन और उसका नाम है ओरियो। तो ओरियो के बारे में जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो, चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलन और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद और जहां हम सीखते हैं बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में। तो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन जिसका वर्जन कोड है 8.0 एंड उसका नाम रखा गया है ओरियो। तो ओरियो जो है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या चेंजेस हैं, वो सब हम जानते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हमारा एक इम्यूलेटर जिसमें हम एंड्रॉइड यूज करते हैं, हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट सीरीज में भी हम इसको यूज कर रहे थे और ऑफिशियली उसका नाम पहले एंड्रॉइड ओ डिक्लेयर नहीं हुआ था, उससे पहले हम वो पुकारते थे उसको, पर अब उसका ऑफिशियल नेम आ गया है और वो है एंड्रॉइड 8.0 ओरियो। तो यहाँ पे क्या नया है, क्या क्या चीजें हमें मिलेगी इसमें, अब देखते हैं एंड्रॉइड की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ ये लोग कह रहे हैं ये और स्मार्ट है, फास्ट है और पावरफुल है और स्वीटर देन एवर, मींस अभी तक का बेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है, वो तो होगा ही क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं और बेटरमेंट के स्कोप हर वर्जन में होते हैं। द वर्ल्ड्स फेवरेट कुकी, या मुझे भी पसंद है वैसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ है नया। मैंने स्क्रॉल किया है और यहाँ पे ये मुझे दिखाता है स्विफ्ट मूव्स बिहाइंड द सीन्स 2x फास्टर बैकग्राउंड लिमिट्स। हाँ, तो ये तो काफी टाइम से कहा जा रहा था कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो काफी टाइम ले लेती है वो इसमें काफी कवर अप करने का ट्राई किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोफिल का ऑप्शन दिया गया है, मीन्स जिस तरीके से हमारी वेबसाइट्स में हमें ऑटोफिल का ऑप्शन होता है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे ऑटोफिल का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी ऑटोफिल मीन्स व्हाट, कि आपको सिर्फ वहां पे अगर आपने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है तो आपकी लॉगिन के लिए आपको इतना हर्जल नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे आपको सजेशन मिल जाएगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये था कुछ ऑटोफिल के बारे में। उसके अलावा क्या है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे आप मल्टीपल थिंग्स एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एक पिक्चर इन पिक्चर या तो कोई वीडियो कॉल चल रहा है या तो कोई वीडियो प्ले हो रहा है और उसके अलावा आप स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है बात कि और हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये एक फीचर वो लेके आए हैं कि डाइविंग इनटू मोर इनटू एप्स यूजिंग फ्यूअर टैब्स। मतलब उन्होंने ट्राई किया है कि आपके नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको यही मिल जाए, स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए ये ऐसा कुछ उन्होंने ऊपर पॉपअप करवाया है जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड फ्रॉम iOS है और iOS के लेटेस्ट वर्जन में वो लोग इसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। खैर, अच्छा फीचर है तो अडॉप्ट करना चाहिए, आई डोंट से एनीथिंग ऑन दैट। और यहाँ पे और जो क्या नया किया है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट नाम से उन्होंने एक बैच लगाएंगे वो अब एप्लीकेशंस पे और वो स्कैन करेंगे एप्लीकेशंस ताकि आपको वहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टेड ऐप्स है गूगल प्ले की तरफ से, तो आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकें क्योंकि बहुत सारी मलिशियस ऐप्स थी और उसके कारण क्या होता था कि आपकी प्राइवेसी और आपके जो डेटा थे वो लीक हो जाते थे। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्टेप मैं मान रहा हूँ, इट्स लाइफ सेवर, मीन्स ये एनर्जी सेव करेगा और कहीं ना कहीं बैटरी को जो है उसको और बैटरी लाइफ सुधारने का इसमें ट्राई किया गया। सबसे अच्छी चीज इमोजीज जो है वो आजकल बड़े क्रेज में है, तो यहाँ पे बहुत सारे नए इमोजीज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये इमोजीज, कलरफुल इमोजीज हमें मिलेंगे। और उसके बाद
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने चेंज की है, बहुत सारी सेटिंग्स में उन्होंने चेंज किए हैं, उनके आइकन्स वगैरह चेंज हुए हैं, सेटिंग्स को और इजियर बनाने की ट्राई की है, बैकग्राउंड टास्क जो होती थी, बैकग्राउंड सर्विसेज जो चलती थी उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का ट्राई किया है, जो काफ़ी मेमोरी कंज्यूम कर जाती थी, फोन हीटअप इश्यूज जो होते थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बैटरी तो इम्प्रूव होने वाली ही है, और आइकन्स और यूआई में जो चेंजेस किए हैं माइनर, यूआई लगती हमें नगट की तरह ही है, पर कुछ चेंजेस वहाँ पे भी किए गए हैं। और उसके बाद आती है बात, अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अननोन सोर्सेज से, तो आपको अब और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कुछ ब्लॉकिंग रूल्स उनके और स्ट्रिक्ट किए हैं, और वहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको ऑन करनी पड़ेगी अगर आप अनऑथराइज्ड सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो अच्छा किया है, कहीं ना कहीं आपको ब्राउजर लेवल पे ही वो चेकअप करा देंगे कि ये ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। और उसके बाद डेवलपर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई है, और वाईफाई असिस्टेंट वो लेके आए हैं वाईफाई के लिए, और बहुत कुछ है जो एक कॉमन यूज़र के लिए तो शायद ज़रूरी नहीं पर डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है। तो नेटिव सी सी प्लस प्लस APIs लाए हैं हाई परफॉर्मेंस ऑडियो के लिए, जो ऑडियो के जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ओरियो में आने वाली हैं, जब भी आपके फ़ोन में उसका अपडेट आता है तो, या आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो। अब मैं बता देता हूँ जल्दी से उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये कुछ ज़्यादा बदला तो दिखता नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे आइकन्स जो है उन्होंने चेंज करने का ट्राई किया है। एक और अपडेट इसमें माइट भी आना बाकी हो अभी, पर ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मेरा इम्यूलेटर है वो अपडेट हो गया है वैसे तो, यहाँ पे नोटिफिकेशन इस तरीके से क्लियर हुआ। और ये जो आप सेटिंग का पैनल देख सकते हो सिमिलर है, पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ यहीं से, और मुझे कुछ ऐडअप करना है तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पे रियल डिवाइस नहीं है, इसके लिए कुछ फीचर्स माइट भी नहीं होते क्योंकि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट फीचर्स जो होते हैं वो इम्यूलेटर्स में बंद कर दिए जाते हैं। सेटिंग्स का जैसा मैंने बात किया आपको कि सेटिंग्स में क्या वो करके आए हैं या क्या नया लेके आए हैं, तो उन्होंने ट्राई किया है कि ये जो सारी नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग्स हैं उनको एक ही बैच के अंदर डाल दिया है, और उसके अंदर सारी सेटिंग्स आती है अब। और ये तो खैर वो काफ़ी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, मीन्स उन्होंने सैंडविच से स्टार्ट कर दिया था, आइसक्रीम सैंडविच से स्टार्ट कर दिया था, पर कहीं ना कहीं वो और इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सारी सेटिंग्स है उनको अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम के अंदर ही आएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारा जो वर्जन है वो अपडेटेड टू 8.0 है, ये तो हुई बात सिस्टम लेवल की। उसके बाद नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत सारे फीचर वो लेके आए हैं कि जैसे आपका कोई टेक्स्ट है तो उसको सिलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से वो आपको वहाँ पे ऑप्शंस देगा, जैसे ये मैसेजेस में मैं यहाँ जाके आपको इमोजीज वगैरह बता देता हूँ कि कौन से नए इमोजीज जो है वो उन्होंने ऐड किए हैं, तो हमें पता लगे कि इमोजीज जो आने वाले हैं वो हमारे लिए कितने एंजॉइंग होने वाले हैं। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि ये इमोजीज जो है वो उन्होंने नए ऐड किए हैं, ये कलरफुल अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, तो ये कुछ इमोजीज जो है वो हम यूज़ कर पाएंगे जैसे ही हम एंड्रॉयड ओ का अपडेट पाते हैं, या तो एंड्रॉयड ओ के कंफर्टेबल कोई डिवाइस लेते हैं या प्री इंस्टॉल्ड डिवाइस लेते हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू एंड्रॉयड ओ के बारे में, जो कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटिंग लेके आ रहा है, बाकी तो पता जब वो रियल डिवाइस पे आता है तभी हमें पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग, मीन्स मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर होने चाहिए इस चीज़ से, और हमारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज भी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारी सीरीज के दौरान ये अपडेट आया है, तो उन लोगों को भी अवेयर होना चाहिए जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ताकि जो डेवलपमेंट रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स है वो उनको पता लगे और वो उसके हिसाब से डेवलपमेंट करें। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो कुछ आपके लिए नया लेके आया और कुछ आपको नया जानने को मिला तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन्हें भी बताइए कि भैया एंड्रॉइड 8.0 जो है वो ओरियो लेके आया है। तो जानते हैं और बहुत सारी चीजें आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। अगर ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहां भी कर सकते हैं आप कमेंट शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।